खाली सा फील हो रहा है. सो नाइस. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक दयाल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फेस पैक जो कि होममेड है. जो कि उसमें इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो है नेचुरल. ये वाला जो फेस पैक है ये मेरा फेवरेट फेस पैक है. लाइक इट्स माय गो टू फेस पैक. जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी स्किन को थोड़ा बहुत पैम्पर करना है या फिर स्किन केयर करना है, टैनिंग हो गई है, कुछ किया नहीं है बहुत टाइम से, तो अगर घर पर ही आपको अपना फेस पैक बनाना है तो ये वाला फेस पैक आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, क्योंकि घर पहले हमें क्या करना है, अपना फेस वॉश कर लेना है. मैं वॉश करके ही बैठी हुई हूँ. मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, बाकी फेस पे कुछ नहीं है. तो फेस वॉश करने के बाद एक हमें चाहिए बाउल. वो क्वान्टिटी आप पर डिपेंड करती है, बट आप फेस पैक का जो कंसिस्टेंसी है वो रनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रनी होगा तो गिरेगा. ऐसा चाहिए कि आप अप्लाई करें तो वो चिपका रहे, ठीक है. तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ये बेसन. तो बेसन आपको पता ही है कि आपके फेस के लिए कितना अच्छा होता है. इसमें वन की इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है और टैन रिमूवल के लिए भी बेस्ट है, काफ़ी इफेक्टिव है. क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ करते हैं. लाइक वो लोग डेली फेस वॉश है वो यूज़ नहीं करते, इसे एज अ फेस वॉश यूज़ करते हैं. ओके, सो दूसरी चीज़ मैं जो इसमें डालूंगी वो मैं डालूंगी हल्दी, टर्मरिक. तो कोशिश करें कि ना जो हल्दी है वो नेचुरल हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है. लाइक मैं जो इसमें यूज़ करूँगी वो घर की हल्दी है, घर पर ही लगाई हुई है, सूख के उसको पीसा हुआ है, तो मैंने अपने फेस के लिए अलग रख दिया. आपके पास नहीं है नेचुरल हल्दी, आप घर पे जो आपके जो भी अवेलेबल है वो हल्दी अगर आप यूज़ करेंगे तो कोशिश करना कि ना वो आप अलग से किसी एक अलग से बॉक्स में निकाल लो. ऐसा मत करना कि किचन में जाना और मसाले वाले डब्बे में से निकाल लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चम्मच दो चम्मच मिक्स हो जाती है तो पता लगा पूरे मुँह में चिमची लगी. ओके, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ठीक है. ये हल्दी मैंने इसमें डाल दी. डोंट थिंक कि मुझे हल्दी के बेनिफिट्स भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी को पता है कि ये एंटीसेप्टिक है और कि लाइक जो भी एक्ने हो जाते हैं हमें उनके जो स्कार्स रह जाते हैं उनको फेड करने में भी ये हेल्प करती है और ऑब्वियसली स्किन को ग्लोई बनाती है. हल्दी हमने इसमें डाल दी है. उसके बाद हम इसमें डालेंगे कर्ड, ये ठीक है. ये दही मैंने इसमें डाल दिया. कर्ड जो हमने इसमें डाला है, कर्ड में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लाइक ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, सॉफ्ट रखेगा. उसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी. हनी ऑब्वियसली आपको पता है कि स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट रखता है स्किन को, तो इसमें हम डालेंगे हनी. ये मैंने इसमें डाल दिया. अब लास्ट जो हमारे पास बचा है आइटम वो हमारा है लेमन. ये लेमन इसमें हम डालेंगे, इफेक्टिव है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, एक्ने से प्रोटेक्ट करता है और स्कार्स जो है उसके रिमूव करने में हेल्प करता है. तो ये अभी मैं सबको मिक्स कर रही हूँ आपस में. ये मिक्स हो गया है और इसका अच्छा खासा पेस्ट बन गया. देखो आप ऐसे बहुत ज़्यादा रनी नहीं है. तो ये हो गया है हमारा डन. हम इसे करेंगे अप्लाई करना है ना, वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, ताकि जो आपकी स्किन है ना वो भी थोड़ी लिफ्ट हो. तो उसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है, ठीक है. तो इसे आप लाइक अगर हफ्ते में दो बार भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी है इतना. बस अपनी आँख, अपनी आईब्रो ये सब थोड़ा बचा के रखना. तो इसे हम अप्लाई, अच्छा 10-12 साल हो गए शायद मुझे. तो ये मेरा फेवरेट फेस पैक है. जो भी इसमें मैंने सारे आइटम्स डाले हैं वो बहुत इजीली आपको घर पे मिल जाते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. कोशिश करना ना कि आप जो भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करते हैं आप अपने नेक पे भी अप्लाई करें. टोन रहेगा ना वो इवन रहे. ओके, डन विद माय फेस पैक. अब मैं इसे सूखने दूंगी, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट. ओके, तो मेरा फेस पैक वो सूख गया है, ये देखिए अच्छे से सूख गया है. कोशिश करना कि आप इसे नॉर्मल रिमूव ना करें, थोड़ी सी मसाज करके निकालें. लाइक थोड़ा
पानी डालना और थोड़ा सा मसाज करना, और मेक श्योर कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मसाज करें, एज अ स्क्रबर काम करेगा, तो आप इसको थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में करना। और पानी ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। जो फेशियल हेयर होते हैं छोटे छोटे, या फिर आपकी जो डेड स्किन होती है, वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। तो मैं इसको करती हूँ रिमूव, उसके बाद आपको मिलती हूँ। मुँह मैंने धो लिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। देख सकते हैं मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फेस पे। इंस्टेंट ग्लो तो ये देता है, लाइक आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट वॉश करके मैं आपके सामने बैठ गई हूँ। तो इंस्टेंट ग्लो तो ये देता है, लाइक ये आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये फेस पैक। आप इसे लाइक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फेस पैक अगर आपको और देखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप इस वाले फेस पैक यूज़ करना एंड देन मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। भी अप्लाई नहीं किया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, मतलब लाइक ना बहुत हेल्दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन बाय।